आइए आज समझने की कोशिश करते हैं गार्डनिंग है क्या। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड जस्ट बेसिक्स ऑफ गार्डनिंग। गार्डनिंग इज दैट ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील्स विद टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स आइदर फॉर हॉबी पर्पस ऑन लार्ज स्केल और बी इट अ वेरी स्मॉल स्पेस इन योर बालकनी और इवन अ स्मॉल एरिया ऑफ गज दैट इज 9 स्क्वायर फीट एरिया इज सफिशियंट फॉर यू और एनी वन हु इज कीनली इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग कैन स्टार्ट। सो देर आर टू स्पेसेस वेयर गार्डनिंग इज डन। मेनली द कॉमन वी सी ऑन ग्राउंड इफ यू हैव अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ योर हाउस और It's a backyard garden. There, the plants are in more numbers. So gardening could be just for hobby purpose, or you could be related to the field of gardening when you are dealing in any of the components that is involved in gardening. You could be a supplier of materials. You could be any information. Disseminator on gardening aspects. So when gardening is done on ground, there is much difference in management aspects that we'll learn later as compared to the gardening which is done in small spaces, much smaller as in comparison to ground. And when we talk of gardening not on ground, then normally we refer to container gardening or the gardening that we do in a pot, yani gamla. Gamle mein ya container mein jab hum gardening karte hain, to isme do aspects aapko main dhyan rakhna hota hai. Ek to container, jo ki ground ke jo micro environment hota hai root zone ke liye, wo bahut different provide karta hai container mein. वो चाहे क्ले का हो या सेरेमिक हो, टेराकोटा हो या प्लास्टिक हो या नाउडेज इवन वेस्ट मटेरियल इज यूज्ड, तो उसमें मैन्योर प्लस सॉयल दोनों का एक कंपोजिशन प्रॉपर हो तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है प्लांट के रूट ग्रोथ पे। तो जो भी प्लांट को न्यूट्रिशन चाहिए व्हेन स्पेशली व्हेन यू आर ग्रोइंग इन ए plant in a pot, then it requires frequent nutrition in lesser quantity. I repeat, frequent nutrition but in lesser quantity. So, and that will depend upon the season of plant you are growing, in the condition of plant, whether it's indoor or outdoor, amount of sunlight it is receiving and other parameters including moisture. तो मैन्योर जो है वो मार्केट में कई फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। वो आजकल तो ऑनलाइन भी आप शॉप करते ही होंगे। तो पर्पज़ हमारे ये रहता है कि जो भी आप उसको प्लांट को मैन्योर किसी भी टाइप का दे रहे हैं और जो सॉयल आपका मिक्स है वो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना चाहिए। दैट इंक्लूड्स ऑल मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ elements that is required for a plant for a good growth in forced condition. How forced condition? Because the condition is not ideal. Since we are growing them in pot, nutrition plays a very important role, as plays the role of by water. So pani aapne sahi diya hai, proper nutrition diya hai, to us condition mein gardening jo hai aap चाहे ग्राउंड में करें या पॉट में करें कर सकते हैं। ये देखिए, ये होम गार्डनिंग का जस्ट एक एग्जांपल है आपको दिखाने के लिए। यू कैन सी इन दीज कंटेनर्स वेजिटेबल्स आर आल्सो ग्रोइंग, जैसे फाइकस का इसमें बरगद भी था, ब्रिंजल के अलावा इसमें अलग अलग, इट्स नोन एज मल्टी टीयर सिस्टम। अगर आप देखेंगे कि जो उनका रूट ग्रोथ है वो सबका रूट जोन अलग अलग डेप्थ पे है इन दिस काइंड ऑफ कंटेनर्स। फॉर एग्जाम्पल ये कड़ी पत्ता है, इसके रूट की डेप्थ डीप होगी
इन कंपैरिजन टू जो लेफ्ट में आप देख रहे हैं कलेंशो है, कलेंशो ब्रायोफाइलम, कई नाम से आप इस प्लांट को पहचानते ही हैं। या आप देखते हैं यहाँ पे सिट्रस भी लगा हुआ है, अगेन देयर इज वन कड़ी पत्ता इन दिस प्लांट आल्सो। इसके बाद इसमें देन जो हमारा सेक्रेट बेसिल है तुलसी, वो भी ग्रो कर रहा है। तो इस तरीके से जो आपके सेलेक्टेड प्लांट्स हैं, देखिए हर कंटेनर में जो कड़ी पत्ता है उसका ग्रोथ डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट ग्रोथ कंडीशन इसी वजह से है कि वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो अलग अलग रूट जोन से ले रहे हैं, अलग अलग स्टेजेस के भी ये प्लांट है, ग्रोथ भी उनका डिफरेंट है, एज तो ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा ही। सो यू कैन जस्ट बिगिन गार्डनिंग फ्रॉम एनी सोर्स दैट यू आर हैविंग एट ईज। ये देखिए, चाहे आपने किचन से फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट ब्रिंजल, तो नॉर्मली व्हेन वी कट ब्रिंजल टोमेटो चिलीज वी गेट सफिशियंट अमाउंट ऑफ सीड्स, तो उन्हीं सीड्स को अगर आप यूज कर सकते हैं अपने गार्डन में, अगर आपके पास कम कंटेनर्स भी हैं तो भी यू कैन जस्ट बिगिन गार्डनिंग। तो जैसे जैसे आप वो करते जाएंगे आपको वो जो चैलेंजेस हैं वो उनमें पता चलते जाएंगे कि ग्रोथ के लिए क्या स्ट्रेंथ एंड व्हाट वुड हैपन वंस यू बिगिन गार्डनिंग इवन इफ यू आर एट एनी स्टेज ऑफ लर्निंग लेवल, तो यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द वेरियस फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व इन ग्रोइंग, और मोर इम्पॉर्टेंटली यू विल बी एबल टू सी द इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स, कि अगर ज़्यादा उसको सनलाइट आ रही है तो प्लांट कैसा बिहेव कर रहा है, शेड में ज़्यादा चला गया तो क्या बिहेव कर रहा है, बाई चांस आपने ज़्यादा उसको ओवर वाटरिंग हो चुका है इन दैट कंडीशन हाउ इट इज़ गोइंग टू रेस्पॉन्ड। मैन्योर की में जो मिक्स आपने कंपोजिशन किया है या कंपोस्ट आपने जो यूज़ किया है उसके क्या टाइप्स है और उस कंपोजिशन का क्या उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, तो ये इस तरह की सारी चीज़ें जो है आपको धीरे धीरे पता चलने लग जाएगा एज यू डू मोर एंड मोर गार्डनिंग। तो ये एक एग्जांपल था। अब इसमें सीजन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, यू हैव वेरियस ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ दिल्ली, तो इन दिल्ली नॉर्मली वी हैव स्प्रिंग समर एंड ऑटम सीजन, जिसमें कि व्हेन वी टॉक अबाउट गार्डनिंग प्लांट्स तो स्प्रिंग में पोर्टुलेका कॉम्फरेना ये फ्लावर्स के ऑप्शंस हो गए, या भिंडी हुआ या बाकी सारी इसमें जो गोट्स हो गए सारे सब्जियां लौकी घिया तोरी ये सब नॉर्मली स्प्रिंग में सोन होते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ गार्डनिंग सीजन इन दिल्ली क्लाइमेट। तो दिल्ली तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको क्लाइमेट का होता ही है, आप देखते हैं कि विंटर है तो वो अगेन दिल्ली की सर्दी फेमस, तो जो हम बात करते हैं कि स्प्रिंग की हमने बात करी तो वो गोट्स की जब हम बात करते हैं तो गोट्स में आपका करेला घिया लौकी तोरी ये सब आम तौर पे स्प्रिंग का सीजन यानी कि फेब के लास्ट वीक से लेके आप उसमें सीड सो कर सकते हैं, और अगर आप उसको ट्रांसप्लांट करते हैं डायरेक्ट सैपलिंग तो दैट कैन बी डिलेड ऑल्सो। तो जिनको ज़्यादा शौक है इसमें फ्लावर्स का तो पोर्टुलेका, जिसको कि हम संजीवनी या लक्ष्मण बूटी नोनी घास नोपची घास इस टाइप से कई उसके नाम है, वो आप देख रहे होंगे छोटे छोटे से कलर्स में फ्लावर्स होते हैं और ये सकुलेंट टाइप के लीव्स होते हैं, तो डेट डज नॉट रिक्वायर मच वाटर और तो ये ग्रो कर सकते हैं। गॉम्फरिना में थोड़ा केयर चाहिए होता है। बाकी सब्जियों में हम बात कर रहे थे तो भिंडी तोरी लौकी घिया सेम ये सारी चीज़ें जो हैं गोट्स जो हैं आप यू कैन ग्रो देम ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन एंड दे कैन एक्सटेंड अप टू समर, और इवन अगर वो अच्छी वैरायटीज हैं और यू आर एबल टू टेक केयर ऑफ देम तो वो और ज़्यादा टाइम तक चल जाती हैं। उनमें भी मार्केट में अगर बात करें तो कई तरह के सीड्स आर अवेलेबल, उनमें लोकल सीड्स हो गए, आजकल तो बहुत ज़्यादा बड़े ब्रांड्स के भी सीड्स हम गार्डनिंग में भी यूज़ कर रहे हैं। तो स्प्रिंग हो या ऑटम हो आपको उसमें जो सोइंग सीजन है
उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है ऑन दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो जो ग्रोथ होगी वो उसमें किस सीजन में आपने डिपेंड ग्रो किया है, सीड किस वैरायटी का है या इसके अलावा किस ब्रांड का है, अच्छे सोर्स से आपने बाय किया है या इंडिजिनस सीड्स ग्रो किया है, तो ये सारे टाइप्स के प्लांट्स यू कैन ग्रो इन स्प्रिंग सीजन इन दिल्ली। और ऑटम की अगर हम बात करते हैं तो ऑटम में तो फ्लावर्स में भी बहुत ऑप्शंस होते हैं आपके पास, वेजिटेबल्स में भी बहुत ऑप्शंस होते हैं। तो नॉर्मली जो है वो अक्टूबर के मिड से लेके आप उसको नवंबर तक जो प्लांट्स शो करते हैं वो ऑटम सीजन कहलाता है। और वो सर्दी में जो आप देखते हैं मार्च में भी आपके गार्डन में खिले हुए हैं, तो दोज प्लांट्स आर ऑटम सोन प्लांट्स एंड दैट यील्ड अप टू मार्च। तो फ्लावर्स की अगर हम एग्जांपल देते हैं तो कैलेंडुला के अलावा जो भी आप मार्च में कहीं गार्डन में भी घूम रहे होते हैं वो सारे ज़्यादातर जो वो सीजनल प्लांट्स होते हैं या सीजनल फ्लावर्स होते हैं वो सब आपको उस टाइम को देखने को मिलता है। और वेजिटेबल्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑटम वेजिटेबल्स में एक तो आपके लीफी वेजिटेबल्स हो गए, पालक, मेथी, धनिया, बाकी रूट वेजिटेबल्स हो गए जैसे कि मूली हुआ, गाजर हुआ, शलगम है, गांठ गोभी है, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। तो इस टाइप की चीज़ें भी आप विंटर्स में ग्रो कर सकते हैं। हमारे कोल्ड क्रॉप्स में जैसे कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, कैबेज है। समर जो है दिल्ली में वो थोड़ा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू स्प्रिंग या ऑटम, और उसमें बहुत ज़्यादा चॉइस रहते नहीं है आपके पास व्हेन यू आर डूइंग गार्डनिंग। तो समर्स में ऑर्नामेंटल प्लांट्स हुए, फोलियज प्लांट्स हुए, इनको आप ग्रो कर सकते हैं। इनमें देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट और आप देखते ही हैं, यू आर अवेयर ऑफ दोज ऑर्नामेंटल प्लांट्स को तो आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं। आपका चाहे ग्लोनिमा है, डिफेनबेकिया है, प्लोटन्स हैं, तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स हैं, सिंगोनियम हो गए और स्कोलियस हो गए, इस टाइप के ये प्लांट्स जो हैं आप काफ़ी लगा सकते हैं। ड्रेसिना में बहुत वैरायटीज़ होती हैं, तो इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो उसमें जब आपने पॉटिंग और रिपॉटिंग करना है तो वो आमतौर पे कोशिश करें कि वो मानसून के टाइम पे बरसात के दिनों में करें। तो ये फोलियर प्लांट्स जो हैं वो आप उनको ऑर्नामेंटल ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि दिल्ली के गार्डनिंग सीजन में वेजिटेबल्स कौन से हम लगा सकते हैं समर सीजन में, तो वेजिटेबल्स में आपको बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं रहती हैं। ब्रिंजल है, चिल्ली है, ये सब आप उसमें लगा सकते हैं। ये वेजिटेबल जो है ब्रिंजल, चिली, टोमेटो, ये थोड़े मैंने जैसे कि बोला कि आप किचन से भी वो सीड्स को एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, थोड़े इजी उनको आप ग्रो कर सकते हैं उनका दिल्ली की क्लाइमेटिक कंडीशंस में। ये देखिए फॉर एग्जांपल इसको आप पहचानती हैं, ये सिंगोनियम है और आजकल तो काफ़ी गिफ्टिंग का ट्रेंड है, तो अगर आपके पास अच्छे कंटेनर्स हैं तो आप उनमें उनको ग्रो करके आप फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स वगैरह को आजकल ओकेजन्स में ये प्लांट्स को गिफ्ट करने का भी काफ़ी ट्रेंड हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर प्लास्टिक आर्टिफिशियल प्लांट्स, व्हाई डोंट यू गो फॉर अ लाइव प्लांट। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये सिरेमिक पॉट है एंड यू कैन सी द पिक्चर आल्सो, इसमें वो बर्ड है, काफ़ी नेचुरल और अपीलिंग लुक होता है। तो इन दिस वे यू आर नॉट ओनली गिफ्टिंग समवन बट यू आर ऑल्सो जनरेटिंग अवेयरनेस towards nature, plants, and in this way more number of people gradually start growing plants. और overall जो इसका effect होता ही है, we all are well aware of the advantages of gardening environment around us. Yes, we do not always talk about environmental factor on larger area basis. जो macro climate है आपका, smaller area है, वो आपका जो living space है
जो वेरी ओन पर्सनल स्पेस का भी एनवायरनमेंट का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपकी हेल्थ पर। यू सी, जब आप उसको सेंसेस अपने यूज कर रहे होते हैं प्लांट को फील करने में, वो सब वो आर्टिफिशियल प्लांट्स में तो नहीं हो पाता है। तो व्हाई डोंट यू नेक्स्ट टाइम गिफ्ट अ प्लांट एंड सी द हैप्पीनेस ऑन द फेस ऑफ द पर्सन हुम यू आर गिविंग यू द गिफ्ट ऑफ अ लिविंग प्लांट, अ लाइव प्लांट। और सिंगोनियम जो है, लेट मी टेल यू अबाउट दिस ऑल्सो, सिंगोनियम इज एन इंडोर प्लांट, या आउटडोर भी इसको ग्रो करते हैं, बट घर में भी अगर आप इसको रखते हैं तो ग्रोज वेल, बट आपको ओवर वाटरिंग नहीं करना होता है, एक मेन चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी इसमें इंसेक्ट पेस्ट का उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आता नहीं है एज कम्पेयर टू वेजिटेबल प्लांट्स, और कम स्पेस में आप इस तरीके से इनको ग्रो कर सकते हैं छोटे छोटे कंटेनर्स में भी। तो सिंगोनियम है, इसके अलावा इसमें स्पेक्टिफिलम है जिसको कि आप पीस लिली भी कह देते हैं, फिर ड्रेसिना, इवन एंथोरियम्स भी आजकल लोग काफ़ी ग्रो करने लगते हैं कंटेनर गार्डनिंग के तौर पे। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और इंडोर प्लांट्स आप गिफ्ट करें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। फिलोडेंड्रॉन्स में भी काफ़ी वैरायटीज हैं, मनी प्लांट है, इसमें भी आजकल मॉन्स्टेरा है, गोल्डन मनी प्लांट है, ये आजकल जॉय मनी प्लांट है जो वाइट वेरिएशन वाले आप देखते हैं। तो इतनी वैरायटीज हैं, और आप खुद पहले अपने घर में आप इंडोर्स कुछ प्लांट्स रखने की कोशिश करिए, और फिर देखिए कि जो हम किसी को कहते हैं वो जब आप खुद पहले उसको रियलाइज करते हैं तो ज़्यादा वो इम्पैक्ट होता है। और जो व्हेन यू शेयर, तो वो शेयरिंग का भी आपको एक अपनी अलग हैप्पीनेस उसमें मिलती है। और ये सिंगोनियम की अगर हम लार्ज स्केल में बातें करते हैं, जब हम ग्राउंड्स वगैरह में देखते, तो आप अगर देखते होंगे आजकल जो पब्लिक पार्क्स हुए या स्ट्रीट पे जो वो डिवाइडर्स हुए या साइड वगैरह कर लिया, उसमें भी इनको ऐसे जो बेस होता है ट्री के बेस का, जो कैनोपी के बेस का कवर होता है, उसमें इनको काफ़ी लार्ज स्केल पे लगाया जाता है। तो सिंगोनियम के गार्डनिंग के अलावा भी जब वो हॉर्टिकल्चर के एस्पेक्ट्स की हम बात करते हैं या लार्ज स्केल प्लांटेशन लैंडस्केप, उसमें अलग इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग बात कर रहे थे सीजन्स की, तो जस्ट गिविंग यू सम मोर डिटेल ऑफ एग्जांपल ऑफ समर सीजन प्लांट्स दैट कैन बी ग्रोन इन दिल्ली क्लाइमेट। गर्मी जब शुरू होने लग जाती है फरवरी मार्च के बाद में, तो उसी टाइम से जो आप देखेंगे कि टेम्परेचर जैसे जैसे राइज होना शुरू होता है, तो उस टाइम पे आपके जो ये फेब मार्च वाले टाइम पे जो सीजनल प्लांट्स आपने ऑटम में लगाए थे, वो प्लांट जो हैं वो दे स्टार्ट फेसिंग चैलेंजेस, और धीरे 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 उनका एजिंग होते हुए वो प्लांट जो हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। सो यू शुड बी रेडी विद योर स्टॉक फॉर समर सीजन जस्ट टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ योर गार्डन प्लांट्स। तो जैसे हम इसमें सीजनल फ्लावर्स की अगर बात करते हैं, तो जो अभी चर्चाएं करी थी हमने, पोर्टुलेका, गोमफेरेना, सेलोशी, ये सब जो हैं आप उनको लगा सकते हैं, और उन पर ऑलरेडी हमने काफ़ी चर्चा करी थी तो बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। तो पोर्टुलेका का जैसे मैंने बताया था कि आपको नोनिया घास, नोपची घास, संजीवनी, कुछ लोग इसको लक्ष्मण बूटी भी कह देते हैं। गोमफेरेना जो है वो थोड़ा हार्डी है एज कम्पेयर टू पोर्टुलेका। तो गोमफेरेना को भी आप बेड्स, मतलब ये ग्राउंड में भी लगा सकते हैं, और नहीं तो अगर ग्राउंड में मास बेड प्लांटिंग भी करते हैं तो उसमें भी ये चलता है, ये वाला प्लांट जो है गोमफेरेना। और पोर्टुलेका गोमफेरेना तो
आपको देखने को मिलते ही हैं दिल्ली के समर सीजन के गार्डन में। इनको आप बास्केट में भी लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट बना के। ऐसे ही वेजिटेबल्स की अगर हम बात करते हैं तो वही जो अभी आपसे चर्चा करी कि गोट्स हो गए सारे, बीन्स हो गए, इसमें ब्रॉड बीन्स में भी जैसे सेम में आज कल बहुत सारी टाइप्स के आ रही हैं, लाल सेम हो गया, ग्रीन सेम हो गया, और करेला में भी आजकल तो काफ़ी मेडिसिनल वैरायटी के तौर पे भी करेले की एक्सेप्टेंस बढ़ गई है। तो बिटर गोर्ड है, बॉटल गोर्ड है, स्पंज गोर्ड है जिसको कि हम तोरी कह देते हैं, फिर रिज गोर्ड है, झिंगली कह देते हैं, इसके अलावा भिंडी हो गया, आप ये सब टाइप के प्लांट्स जो हैं वो समर में वेजिटेबल के तौर पे दिल्ली के क्लाइमेट में उगा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस यू आर हैविंग। तो इस तरीके से आप इनको, इन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि बेशक क्वांटिटी आपको उतनी नहीं होगी कि आप अपना पूरा फैमिली का यील्ड इसमें हो जाए, बट एक खुशी आपको, हैप्पीनेस मिलती है कि यू हैव ग्रोन योर ओन वेजिटेबल। और बच्चे हैं उनको भी काफ़ी इंटरेस्ट आता है जब वो खुद ग्रो होते हुए देखते हैं। हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स की अगर हम बात करें तो ये इसमें इस टाइम पे जो है बल्ब्स जो हैं, आप उनको बल्ब्स प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, जैसे लिली हो गया फॉर एग्जांपल। उसके अलावा फ्लावर प्लांट्स जो हो गए, क्रोटॉन्स हो गया, हिबिस्कस हो गया, तो ये आप ग्रो कर सकते हैं। अब ये एक छोटा सा एग्जांपल है, ये लोटस आप देख रहे हैं कि ये ग्रो कर रहा है इस कंटेनर में। हालांकि लोटस को बहुत ज़्यादा केयर चाहिए, वो वाटर प्लांट है, बट इनिशियली जो उसका इनिशियल ग्रोथ जो बेस होता है वो उसका सॉयल में रहता है। तो एक बारी जब आपका सब फॉर एग्जांपल इसमें आप देख रहे हैं कि ये स्टेम जो है वो ग्रो कर रही है, तो एक बारी जब वो लोटस का स्टेम ग्रोथ पकड़ जाए उसके बाद आप इस पूरे के पूरे कंटेनर को उसमें रख सकते हैं किसी बड़े टब में, उसमें पानी रख सकते हैं। अभी हम मल्टी टेयर की बात कर रहे थे, उसका ही एक और एग्जांपल है कि समर में जो आप देख रहे होते हैं, तो गोड्स की हमने बात करी थी। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट है पुदीना, मेंथा या मिंट भी जिसे हम कह देते हैं। तो साथ में आप देख रहे हैं कि नीचे सैपलिंग जो है वो और ग्रो कर रहे हैं मिर्च के भी, तो मिर्च और यहाँ पे इवन आपको क्रोटन जो कि विंटर्स में अभी डोरमेंसी में चला गया था वो बाहर आए हैं। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कोलियस है, कोलियस में आपको ध्यान रखना होगा कि ये ऑर्नामेंटल कोलियस जो रंग बिरंगे लीव्स हैं ऐसे ही दिखने वाला, ये मॉन्स्टेरा है, मनी प्लांट का जो ये टाइप है मॉन्स्टेरा, ये रेगुलर मनी प्लांट है। ये देख रहे हैं आप रेगुलर मनी प्लांट में जैसे जैसे समर आएगा तो उसमें न्यू ग्रोथ आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, और ये तो अपने ग्रो करने शुरू हो ही जाएंगे जो आपने सीजनल प्लांट्स लगाए हैं वो। जो आपका अब एग्जांपल ये श्याम तुलसी है जिसको कि हम लाल तुलसी या काली तुलसी भी आप कई बार कह देते हैं, वो विंटर्स में बहुत ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग एनवायरनमेंट उसको फेस करना पड़ता है, बट अगर वो आपका विंटर क्रॉस कर जाता है, आपने उसको प्रॉपर केयर किया है, तो फिर वो आगे उसकी न्यू लीव्स और न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही आपका स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होगा। तो इसमें आप गुलदावती भी देख रहे हैं कि सिंथिमम, उसमें आप मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो सारा फ्लावर्स का पिक हो गया, बाकी वेजिटेबल्स हो गए। ये 4 o'clock प्लांट था मेरा, ब्लिस और जलापा जिसको कहते हैं, क्रोटॉन्स में भी आप देख रहे हैं अब नए बर्ड्स आने शुरू हो रहे हैं। तो ये सारा कलेक्शन जो है प्लांट्स का, अगर आपके पास कम भी स्पेस है तो आप देख रहे हैं कि अगर एक गज की भी जगह है तो उसमें भी आप कुछ कंटेनर्स गमले वगैरह रख के आप इस तरीके से गार्डनिंग कर सकते हैं। तो बस इनमें सब में आपको जो मेजर बातें जो ध्यान में रखनी होती हैं मैनेजमेंट में, वो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि वो ओवर वाटरिंग ना करें, वाटर की स्कैर्सिटी भी ना होने दें। जब आप गार्डनिंग खुद से करने लग जाते हैं तो
आप खुद से ही पहचाने लग जाते हैं। और मिट्टी जो है, या सही वर्ड में अगर बोलूं तो मीडिया जो है कंटेनर्स का, वही आपको खुद बता देगा कि उसको किस टाइम पे न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है और किस टाइम पे उसको मॉइस्चर की आवश्यकता है। उससे फिर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि पानी कितना डालना है और कैसे डालना है। इस तरीके से आपका कैसा भी स्पेस हो, यू कैन डू गार्डनिंग। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये कंटेनर है अभी, चूंकि इसलिए मैंने वो वर्ड मीडिया यूज़ किया कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सब में ये सॉयल में मिट्टी नहीं है, ये मिट्टी के साथ भी और मिट्टी के बगैर भी अलग अलग मीडिया किया गया है। और ख़ास करके जब आप इंडोर गार्डनिंग करते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये नियॉन मनी प्लांट है जो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि फ्लोरोसेंट ग्रीन येलोइश ग्रीन का कलर है, और ये जो आप देख रहे हैं ये सिंगोनियम की वैरायटी है। तो ऐसे प्लांट्स जब आप इंडोर गार्डनिंग करने जा रहे हैं, देन यू हैव चॉइस टू टेक चैलेंजेस और आप उसमें डू सम एक्सपेरिमेंट विद मीडिया कर सकते हैं आप। प्लस जो है, आपने चूंकि इंडोर्स में स्पेस का एक फैक्टर रहता है, तो आप छोटे से छोटे कंटेनर में भी आप छोटा सा छोटा पोर्शन भी जो है उसको प्रोपेगेट करने की आप कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो मनी प्लांट था वो एक तरह का, अगर हम हाइड्रोपोनिक भी मैं उसको सिस्टम कह दूँ तो आई मे नॉट बी रॉन्ग, तो इस तरीके से ये वो नीचे से कट है कंटेनर, उसमें मीडिया और रूट्स जो है पानी में है। अब आइए अब बात करते हैं गार्डन मैनेजमेंट की है। जी हाँ, गार्डन का मैनेजमेंट जो है वो देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा कम्बरसम डिफिकल्ट प्रोसेस होगा, कैसे इसको संभालेंगे, कैसे करेंगे। तो इन चीज़ों को अगर आप बेसिक समझ जाते हैं तो गार्डन मैनेजमेंट उतना डिफिकल्ट नहीं रहता है जितना कि हम उसे समझ रहे होते हैं कि ये कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है। बट तो जस्ट लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड सम बेसिक एस्पेक्ट्स विच आर इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट ऑफ गार्डन। तो गार्डन मैनेजमेंट में जो है कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है, वो हम देखते हैं वन बाय वन। तो मेजर जो है गार्डन, इसमें तीन एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें कि एक एस्पेक्ट होता है डिजीज़। जी हाँ, आप अक्सर ये हम देखते हैं कि पत्ते पीले पड़ गए, तना काला पड़ गया, कंप्लीट प्लांट का जो है वो विल्टिंग हो गया। फॉर एग्जांपल मनी, इसमें तुलसी के केस में आप देखेंगे कि पूरा का पूरा प्लांट जो है वही उसमें वो हो गया, रोज़ वगैरह फ्लावर्स है तो उसमें टाइपबैक हो गए, यानी तने उसके काले पड़ने शुरू हो गए। या कई बार आप देखेंगे कि अगर आपने कुछ वेजिटेबल गार्डनिंग करा है तो उसमें पत्ते जो हैं वो लाइट हल्के से ग्रीन और डार्क ग्रीन के बीच का एक पैटर्न सा बन जाता है, जिसको कि हम मोज़ेक बोलते हैं। या कई बार जो है वो पत्तों में कर्लिंग आ जाती है, या पत्ते छोटे रह जाते हैं। तो इनमें भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, निमेटोड जो गांठे बन जाती हैं जड़ों में, इस तरह के बहुत सारे फैक्टर। इसके अलावा अबायोटिक फैक्टर्स हो गए, जो एनवायरनमेंट का इफेक्ट आ जाता है प्लांट की ग्रोथ में, जिसकी वजह से बीमारी बढ़ जाती है। तो उसमें दूसरे वीडियो में आपने देखा होगा, इसमें मैंने डिजीज ट्रायंगल की आपसे बात करी थी। सो ऑल दीज पैरामीटर्स यील्ड टू डिजीज कंडीशन इन प्लांट्स व्हेन यू आर डूइंग गार्डनिंग। तो इनमें ज़्यादातर जो हैं वो आपको फंगस इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन बैक्टीरियल और जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनकी वजह से बहुत जल्दी और ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो उनके लिए भी आपको रेगुलर मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है, एंड वो आपको खुद से ही एक्सपीरियंस आपका डेवलप हो जाता है जैसे जैसे आप गार्डनिंग करते जाते हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से डिजीज़ को आपको ध्यान रखना है गार्डन के मैनेजमेंट में। और डिजीज़ का जो
एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है वो न्यूट्रिशन भी कई बार हो जाता है। तो अगर न्यूट्रिशन में डेफिशिएंसी आ गई है या न्यूट्रिशन कभी आपने बहुत ज़्यादा उसमें कोई खाद दे दिया है तो उसकी वजह से भी कुछ उसमें बीमारी आ जाती हैं या कुछ इस टाइप के सिम्टम्स आ जाते हैं, क्योंकि आपको गार्डन मैनेजमेंट में ध्यान रखना है और डिजीज़ में देखना है कि वो डिजीज़ जो है आपका किसी कॉज की वजह से है। फिर कीड़े अगर आ रहे हैं तो किस तरह के कीड़े आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कीड़े जो होते हैं वो भी बीमारी को और फैलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हमने वायरल डिजीज़ की बात करी थी, मोज़ेक है या लीफ कर्निंग, अगर टमाटर और उनमें आप देखेंगे छोटे छोटे ब्लैक एफिड्स हो जाते हैं या वाइट फ्लाइज होते हैं तो वो वायरस डिजीज़ को फैलाते हैं। या कई बार हमने ही कोई बीमार पत्ते को तोड़ा है और उस फिर हम कोई हेल्दी प्लांट को टच कर रहे हैं तो उससे हमारी वजह से भी बीमारी फैल जाती है। या टूल्स जो आप गार्डनिंग में यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि आपका हेल्दी प्लांट जो है आपके वो इन्फेक्शन जो कैरी कर रहा है टूल है उसकी वजह से वो पौधा आपका बीमार पड़ा। तो न्यूट्रिशन में जो है वो मेजर सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरोन, तो इन सबको आप जानते हैं कि आजकल मार्केट में ये काफ़ी फॉर्मुलेशंस में अलग अलग फॉर्म में ये ऑलरेडी मिक्स रेडी टू यूज़ मतलब फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं कि आपको इन एलिमेंट्स को कोई अलग अलग से नहीं करना है, वो रेडी मिक्स फॉर्मुलेशन होते हैं, वो आपने लिया और उनको यूज़ किया। इंसेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो वो आपको ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा कि अगर एक दिन आपको एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कीड़ा कोई दिख रहा है एक प्लांट के ऊपर में तो नेक्स्ट डे दो तीन दिनों तक आपने उसे कॉन्टिन्यूस मॉनिटर करना है। जैसे ही आपको लगे कि वो बढ़ रहा है तो आपको कुछ ना कुछ उसके लिए कंट्रोल की रेमेडी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो उसमें फिर आपकी वो चॉइस होती है आप किस तरह का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, बट गार्डन मैनेजमेंट में आपको डिजीज़, इंसेक्ट और न्यूट्रिशन तीनों चीज़ों को एक साथ समझते हुए उसको चलना पड़ेगा। ये तीनों ही एक दूसरे से लिंक्ड भी हैं और तीनों ही एक दूसरे से अलग भी हैं। तो ये सारी चीज़ों को जब आप कंसीडर करते हैं तो उस टाइम पे आप देखेंगे कि न्यूट्रिशन का इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन में भी रोल होता है। कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा आपने न्यूट्रिशन दे दिया है, बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन लीफ है, उसमें थोड़ा सकुलेंट टाइप का लीफ डेवलप हो गया है जो कि कीड़ों को अट्रैक्ट करता है, तो उस केस में क्या होगा कि वो उस पर ज़्यादा दिख रहे हैं। और अगर नहीं आप न्यूट्रिशन की कमी रखेंगे तो आपका वो प्लांट जो है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में वैसे ही डल उसका अपीयरेंस होगा, एक आइडियल लुक नहीं आएगा उसका जो कि आना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आप अलग अलग एस्पेक्ट्स सबको गार्डन मैनेजमेंट के देखते हुए आप केयर कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशन की, तो जैसे कि मैंने डेफिशिएंसी की बात की, आमतौर पे डेफिशिएंसी में क्या होता है कि सल्फर, मैंगनीज या मैग्नीशियम इनकी डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है और उसकी वजह से जो इनके सिम्टम्स डेवलप होते हैं वो कई बार हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वो डिजीज़ तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी ऐसे क्लोरोटिक सिम्टम या नेक्रोटिक सिम्टम्स जो होते हैं वो बीमारियों में भी होते हैं। तो आपने ये अज्यूम किया कि उसमें न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी चल रही थी, आपने उसके हिसाब से उसको खाद तो दे दिया पर बीमारी तो कंट्रोल नहीं हुई, क्योंकि वो तो किसी कॉजल और फंगस या बैक्टीरिया की बीमारी थी, आपने समझा कि न्यूट्रिशन है। तो ये आपको ध्यान रखना होता है और वो फ़र्क भी आपको तभी होगा जब आप उन फैक्टर्स को पहचानेंगे, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन होगी कि हाउ टू डिस्टिंग्विश, आपके पास वो ऑब्जर्वेशन स्किल होगा। और बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन रहता है काफ़ी कि आप उसको नहीं डिसाइड कर पाते कि वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी था या कोई हमारा फंगस का बैक्टीरिया का डिजीज़ की वजह से वो सिम्टम आपको दिख रहा है, क्योंकि सिम्टम जो है वो काफ़ी मिलते जुलते होते हैं। तो इसीलिए जब आप न्यूट्रिशन फैक्टर की बात कर रहे हैं गार्डन मैनेजमेंट में तो उससे आपके वो दोनों पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। इस चीज़ का आपको वाइल डूइंग गार्डनिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ एंड हाउ यू विल टेक केयर ऑफ दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज और बेसिक इंफॉर्मेशन दैट यू हैव अबाउट गार्डनिंग
एस्पेक्ट गार्डनिंग प्रिंसिपल्स। आमतौर पे क्या होता है कि इन जनरल हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि चलो भाई क्या हो गया भाई, थोड़ा पौधा कम ग्रो कर रहा है, थोड़ा कोई बीमारी लग गई है तो तोड़ के फेंक दिया, कीड़े हो गए तो काट के फेंक दिए। तो देन इन दैट केस आप गार्डनिंग को फुली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप उसको ठीक कर पा रहे हैं उन परिस्थितियों को, तो ये कि आपका वो गार्डनिंग गार्डन का जो मैनेजमेंट है वो कंप्लीट है, और तो उससे आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, एक हैप्पीनेस मिलेगा दैट यू कैन फाइंड विद इन, जब आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गार्डनिंग करते हैं, जिसमें कि डिजीज़ हो गया, इंसेक्ट हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ये तीनों बेसिक जो है मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स हैं, ये आपको केयर करना है। इसके अलावा जो बाकी फैक्टर्स थे, पानी हो गया, वाटर कंडीशन हो गया, सनलाइट हो गया, कहाँ रोशनी में रखा, कब छाँव में रखा, कई बारी ऑर्नामेंटल प्लांट्स में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं इंडोर प्लांट्स में, तो हम क्या करते हैं वीक में उसको 2 दिन बाहर रख दिया, बाकी 4 दिन आपने अंदर रख लिया, तो इस तरीके से वीक शिफ्ट। तो ये देखिए, ये और कोई एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जैसे ये बरगद था, इट्स मोर देन 23 ईयर्स, बहुत पुराना पौधा है, लेकिन ये उसको ग्रोथ इतना ही उसको मेंटेन रख रखा है कि स्पेस अगर कंस्ट्रेंट है तो यू कैन नॉट अलाउ दैट प्लांट, वो भी बरगद, टू ग्रो बिग। तो उसको इस तरीके से बस कंट्रोल किया गया है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब आउटग्रोथ उसकी ना हो जाए कंटेनर से, उसको मेंटेन कर सके। तो ये 2000 ईयर यानी जो मिलेनियम प्लांट भी आप उसको कह सकते हैं, जो उसको लगाया था, और आज से ये 24वां साल है। तो हालांकि अगर कमर्शियल बॉन्साई की हम बात करते हैं तो वो एक अलग फील्ड हो जाता है, और उसमें तो फिर आप देखते हैं कि काफ़ी अलग जाते हैं, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ गार्डनिंग, सो लेट्स स्टिक आवरसेल्व्स टू दैट बेसिक एस्पेक्ट्स फॉर द मोमेंट। तो ये आप देख रहे हैं कि ये बैंगन है, इसके अलावा इसमें जो है कई और सीजनल प्लांट्स लगे हुए हैं, और टू लेकर जिसकी हम बात करते हैं संजीवनी है, लक्ष्मण बुट्टी, नौची घास, नोनिया भी जिसको कहा। अब आप देख रहे हैं कि इसी कंटेनर में खजूर भी ग्रो कर रहा है ना, इंटरेस्टिंग। इतने से ये टोटल मिला के आप देख रहे हैं कि ये 3 फुट बाय 3 फुट की जगह है, यानी 9 स्क्वायर फुट में भी आप इतने 8-10 गमले रख सकते हैं अगर आपको स्पेस की प्रॉब्लम है तो, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ गार्डनिंग, सिंस ये आपका अगर हॉबी है तो। इतने से स्पेस में भी आमतौर पे क्या होता है वही से कि वो स्पेस नहीं है, इंटरेस्ट तो बहुत है गार्डनिंग करने का, बट व्हाट कैन वी डू विदाउट स्पेस। तो इन दिस सिचुएशन आइए, तो जब आज के पूरे जो हमारा लर्निंग है इसको कोशिश करते हैं सम अप करने की, व्हाट वी लर्न टुडे और क्या आप उसको कैसे अप्लाई करेंगे। अभी तक जो हमने बेसिक बातें गार्डनिंग की सीखी, हाउ यू आर गोइंग टू अडॉप्ट दैट नॉलेज, तो जस्ट इसका एक आइए आपको दिखाते हैं। तो क्या होता है, मान लीजिए कि आप बिगिनर हैं, तो इन दैट केस नॉर्मली यू ब्रिंग अ प्लांट, आप जा रहे थे रास्ते में रोड साइड, यू फाउंड अ नर्सरी एंड यू ब्रॉट अ प्लांट, और आपने उसको लेके घर आ गए। अगर जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे देन यू स्टार्ट टू ग्रो या प्रोपेगेट, बट यहाँ पे आप एक प्लांट लेके खुद से आ गए हैं, यू ब्रॉट अ सैपलिंग एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू देन। इसके बाद आपने उसमें क्या चाहिए उसके साथ आपको, फिर आपको चाहिए वो पॉट चाहिए, पॉट कैसे चाहिए, विद सॉयल, सॉयल की बजाय रेदर वी यूज वर्ड मीडिया। तो मीडिया जो है वो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपने वो मीडिया बनाने के लिए क्या किया, सॉयल में आपने मैन्योर मिक्स किया। मैन्योर जो है इट्स जस्ट एन एग्जांपल, वो एक्चुअल में सॉयल कंडीशन किया आपने उसको। अगर आपने मान लीजिए रॉ सॉयल यूज़ किया है, तो आमतौर पर जब हम गार्डनिंग में सॉयल की बात करते हैं तो या तो आप किसी नर्सरी से परचेज करते हैं सॉयल को, या यू गेट इट फ्रॉम अ स्पेस वहाँ जहाँ कोई मान लीजिए बड़ा सा पेड़ ग्रो कर रहा है उसके बेस से आपने ले लिया, बट यू नीड टू चेक कि उसमें कहीं कीड़े वगैरह तो ना साथ में आप उसको ले आए। तो वो किया आपने साथ में उसके मैन्योर मिक्स किया,
मैन्योर से क्या हुआ, एक टेक्सचर उस आपका इम्प्रूव हुआ। तो इन दोनों ही कंडीशंस में आपने दो चीज़ों को इम्प्रूव किया, एक तो सॉइल का टेक्सचर को, इससे क्या हुआ कि आप उसमें एरेशन भी बना रहेगा। एरेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ रूट्स, तो रूट एरेशन भी बना रहा। और उसके बाद उसमें आप देखेंगे कि जो मैन्योर है उसकी वजह से जो कम भी पानी है तो भी वो लॉन्ग टाइम तक प्लांट को मॉइस्चर प्रोवाइड करता रहेगा। इसके बाद में जो हमने बात करी थी एस्पेक्ट की, वो प्रोटेक्शन की। तो सॉयल में, चूंकि सॉयल एक ऐसी एंटिटी है जिसमें आपको बहुत सारे चैलेंजेस सॉयल अपने आप फेस करता है, जिसमें कि फॉर एग्जांपल होता है कि जो डिजीजेज होते हैं उनके जो इनोकुलम होते हैं, इनोकुलम का मतलब वो पार्ट जो प्लांट में इन्फेक्शन फैला रहा है, तो मिट्टी जैसे फिजोरियम है, टिसिलियम है, इस टाइप के काफ़ी फंगस हैं जो कि मिट्टी में रहते हैं लॉन्ग टाइम तक, वो सॉइल के साथ टेस्ट रहते हैं, जब वो हेल्थी जगह पर जाते हैं तो बीमारी फैलाते हैं। ऐसे ही काफ़ी कीड़े हैं, उनका ज़्यादातर जो इंसेक्ट्स का प्यूपल स्टेज होता है वो आप देखेंगे कि सॉइल में भी होता है, तो वहाँ से भी वो चांसेस होते हैं कि जब आप वो सॉइल बाहर से लेकर के आ गए हैं अपने गार्डन के, तो उनके साथ ही आप वो बीमारी भी ला रहे हैं, साथ में ही आप कीड़े भी ला रहे हैं। तो व्हेन यू ब्रिंग अ प्लांट, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें देखनी है कि कीड़ा बीमारी ना हो, हेल्दी प्लांट आप लेकर के आए हैं। देन सॉइल आप लाए, उसमें आपने वो मीडिया प्रिपेयर किया, तो सॉइल बॉर्न डिजीज और इंसेक्ट्स हैं, इनको आपने ध्यान रखना होता है। इसके बाद फिर हम थर्ड एस्पेक्ट पे आ जाते हैं न्यूट्रिशन की। तो आफ्टर ऑल जब आप वो प्लांट ले आए हैं, आपने मीडिया उसमें ऐड कर दिया है, तो कुछ जो बेसिक न्यूट्रिशन मैन्योर में था या सॉयल में था वो तो प्लांट को मिल ही रहा है, बट इज इट सफिशिएंट फॉर दैट प्लांट टू ग्रो इन इट्स फुल पोटेंशियल? तो उसके लिए जो मेजर न्यूट्रिएंट्स अभी हमने चर्चा करी थी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इसके अलावा जो है जिंक हो गया, जिंक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बोरोन हो गया, वेजिटेबल गार्डनिंग अगर आप कर रहे होते हैं तो उसमें आपको जिंक, बोरोन, मैंगनीज, इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। बिकॉज इन वेजिटेबल गार्डनिंग व्हाट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव, टू गेट फ्रूट्स ऑफ दैट प्लांट। तो उसके लिए वहाँ पे फिर ये मेजर न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है और वो प्लांट की एक रिक्वायरमेंट बनी रहती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी। तो जब आप न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे मेजर एलिमेंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिनको हम बोल देते हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स, और उसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसमें कि मॉलिब्डेनम हो गया, कॉपर हो गया, फिर आयरन हो गया। आयरन तो मान लीजिए अभी कई बार आजकल काफ़ी नर्सरी से प्लांट्स आते हैं उसमें रेड सॉइल होता है, तो डेट इज ऑलरेडी रिच इन आयरन, उसकी वजह से उसका वो कलर आपको रेड देखने को मिल रहा है। और अदरवाइज जो है वो फिर मार्केट में इन सब चीज़ों के जब आप मैन्योर अप्लाई कर रहे थे उसी टाइम पे आप इनको जो फॉर्म में अवेलेबल है आप परचेज करके लाए हैं, आप उनको साथ में ही मिक्स कर सकते हैं। कई बार ये फूड आजकल तो वो सारे न्यूट्रिएंट मिक्स करके भी रेडीमेड फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हो गया है, तो इनकेस यू आर हैविंग दैट मटेरियल तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। और हमने न्यूट्रिशन अब अपना कंप्लीट कर लिया, सॉइल मैन्योर के अलावा जो और हमको कंपोनेंट्स ऐड करने थे वो ऑलरेडी हमने उनको प्रोवाइड कर दिया है इनके साथ में। तो अब आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या क्या एस्पेक्ट्स और हैं जो हमको ध्यान रखनी होती हैं जब आपने प्लांट को ले आए हैं अपने उसमें मैन्योर
सॉयल के जो और न्यूट्रिएंट्स थे, वो सॉयल फूड भी जिसको हम ये कह सकते हैं, प्लांट फूड भी कह सकते हैं, वो सब आपने उनको ऐड कर दिया गया है। और उसके बाद आपका जो अगला उसमें पैरामीटर आता है जो आपको ध्यान रखना है वो है, इस पैरामीटर को ध्यान रखेंगे, जी हाँ आपने देखा कि वो ऑपरेशंस हमें क्या करना है, प्लांट्स को केयर करने के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें वाटर मैनेजमेंट, जो पहले भी मैंने आपको बोला कि वाटर एप्लीकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग और डिटरमाइनिंग हेल्थ ऑफ अ प्लांट। तो इसमें जो है वो वाटर एप्लीकेशन हुआ, उसमें आपने कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करना है, वाटर की स्कैर्सिटी भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा तो हम फिर बात करते हैं कि टिल, व्हाट इज टिल, जब आप गुड़ाई करते हैं, मान लीजिए अगर आपका ग्राउंड में गार्डन है, बैकयार्ड गार्डन है या आपके घर के आगे का गार्डन है, तो उसको तो हम खुरपी और कोई इम्प्लीमेंट से कर सकते हैं, छोटा जब वो कंटेनर में है, पॉट में है, तो गुड़ाई करनी मुश्किल होती है, तो उसके लिए आप वही छोटा जो इम्प्लीमेंट्स आते हैं टिलिंग के लिए वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो पेचकस वगैरह से भी काम चल सकता है या कोई लकड़ी का टुकड़े से भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम प्लांट प्रोपेगेशन की ओर, फोर्थ एस्पेक्ट जो है कि आपने अब आपका वो प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया, मान लीजिए अब आपको नेक्स्ट सीजन जो है वो उसको अपने मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे आप उसमें जो है कटिंग वगैरह ले सकते हैं उस प्लांट की, ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो आपने ध्यान रखना है कि आप कैसे उसको मल्टीप्लाई करें, ग्रो करें। दूसरा जो चीज़ है इसमें वो वही देखना है कि जो इंसेक्ट पेस्ट जो है वो जब आप प्रोपगेट कर रहे हैं उस टाइम पे भी आपको उनको रीप्लांटिंग के टाइम पे भी डिजीज और इन एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना होगा, ग्रोथ के टाइम आपको न्यूट्रिशन भी देना होगा, और इस तरीके से जो है ग्रोथ को आपने ऑब्जर्व करना होगा। तो जब ये सारे पैरामीटर्स हैं जो आप केयर करते हैं राइट फ्रॉम द डे यू हैव बॉट अ सैपलिंग, फिर आपने उसको मीडिया प्रिपेयर किया, फिर आपने डिजीज इंसेक्ट ये सब बातों का केयर किया, आप प्रॉपर उनको डिजीज़ के लिए जो ट्रीटमेंट जो भी देनी है, चाहे वो सॉयल बॉर्न आप उनको ट्रीटमेंट दे, जैसे कई बार हम नीम की खली ऐड कर देते हैं मिला दिया या कोई और मटेरियल मिला देते हैं तो वो कीड़े से बचे रहें, बीमारी से बचे रहें, आजकल काफ़ी फॉर्म्स के इसमें चीज़ें आती रहती हैं। और इस तरीके से जो आप देख रहे हैं ये अलग अलग एस्पेक्ट्स को ध्यान रख के आप अपनी गार्डनिंग को एज ए हॉबी आप उसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, और प्लांट की जब आपको ग्रोथ मिलती है तो डेट नॉट ओनली आपको वो गिव्स यू हैप्पीनेस, बट इवन कहते भी हैं कि गार्डनिंग की जो है वो ओवरऑल जो है वो आपके चेहरे पे स्माइल लाई देता है, और जब वो एक सेटिस्फेक्शन होता है कि आपने कुछ खुद से लाए, ग्रो किया, एंड जब आप उसको बढ़ते हुए देखते हैं तो ध्यान रखें आपने वाटर मैनेजमेंट बिल्कुल ध्यान रखना है, न्यूट्रिशन कुछ भी मतलब ओवर नहीं होना चाहिए, सब कुछ बैलेंस अगर बना रहेगा तो वो आप अच्छे से गार्डनिंग कर सकते हैं। बट उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप बेसिक नॉलेज जो है बेसिक एस्पेक्ट्स गार्डनिंग की वो हमें पता हो, तो आप उसको और अच्छे से अपने हॉबी को कर सकते हैं और वो एक आपको अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा और यू विल फील as if you have achieved something, एक accomplishment का आपका वो आपको एहसास होगा। तो जब आप next time plant लेके आते हैं तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख के फिर आप देखेंगे कि वो जो plant जो है वो grow करेगा, और अगर growth slow भी है कई बार ये सब चीज़ होने के बाद भी क्या होता है last में आप क्या find करते हैं कि growth is slow, तो इसलिए unlimited factors